ओके अब सुनाई दे रहा है तुम सबको। यस सर। ओके तो वापस सुनना, वापस सब लोग सुनना। अगर मान लो कि ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई मास पड़ा है एम। अगर मान लो मुझे इस मास को चलाना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, और मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि इसका मास कितना है। अगर इसका मास ज्यादा होगा तो मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर इसका मास कम होगा तो मुझे फोर्स कम लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मान लो कि कोई मास है एम और ये डिस्टेंस है आर, अगर मान लो कि मुझे इस मास को घुमाना है, इस एक्सिस के अक्रॉस ऐसे घुमाना है, तो यहां पे मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो इसका मास कितना है, और एक ये मास एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा है, मतलब आर डिस्टेंस कितनी है। तो याद रखना, अगर तुम्हें खाली किसी चीज को चलाना है तो इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास पे। लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज को घुमाना है तो इनर्शिया दो चीज पर डिपेंड करता है, एक तो आपको जिस चीज को घुमाना है उसका मास कितना है, और दूसरा वो जो मास है वो एक्सिस से परपेंडिकुलर कितना दूर पड़ा हुआ है ना। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं कि सपोज करो कि ये एक्सिस है और यहां पे आपका मास है, और आपको ये डिस्टेंस एग्जाम में दे रखी है, लेकिन अपने को इस डिस्टेंस से मतलब नहीं है, अपने को कौन सी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये वाली, कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो याद रखना, अगर आपको किसी भी चीज को घुमाना है तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, उस केस में जो इनर्शिया होता है उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लिखो अपनी कॉपी में, इनर्शिया फॉर रोटेशनल मोशन, इनर्शिया फॉर रोटेशनल मोशन, इनर्शिया फॉर रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया फॉर रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और याद रखना, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और जितना वो एक्सिस से दूर पड़ा हुआ है इतना आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और इन दोनों प्रपोर्शन की जगह आपकी इक्वेशन बनती है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब एक चीज याद रखना, ये फॉर्मूला कैसे आया, आगे जब हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन फॉर टाइम बींग आप अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिख लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर तुम्हें घुमाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर तुम्हें क्या करना है, किसी भी मास को अगर तुम्हें किसी एक्सिस के अराउंड घुमाना है, तो उस केस में जो इनर्शिया होगा वो दो चीज पर डिपेंड करेगा, एक तो मास कितना है, दूसरा आपका मास एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है। तो यहां पे मास है एम, पर एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है आर, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। याद रखना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेवर नेगेटिव, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव या फिर जीरो भी हो सकता है। तो एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन कराता हूँ। तो लिख लो अपनी कॉपी में, इनर्शिया फॉर रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर, और इसकी एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं, मास की केजी, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। लिख लो इसको। तो देख सकते अपनी कॉपी में, और अब मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन कराता हूं, तो तुम सब ध्यान से देखना कि इसके क्वेश्चंस करते कैसे हैं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन कराता हूं मैं तुम्हें, सपोज करो कि ये कोई एक्सिस है, ठीक है, एक मास तो यहां पड़ा हुआ है एम, एक मास यहां पड़ा हुआ है एम, मान लो ये पड़ा है आर डिस्टेंस पे, एक मास यहां पड़ा है एम, मान लो ये भी पड़ा है आर डिस्टेंस पे, और मान लो ये है वाई एक्सिस। तो मैं अगर पूछूं कि बताओ आई वाई का मतलब क्या है, आई वाई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। तो आपको मुझे बताना है कि वाई एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। देखो कैसे निकालते हैं, अब सब ध्यान से समझना, यहां पे अपने पास तीन मास है, देखो एक तो ये वाला मास, तो आप मुझे बताओ ये तो एक्सिस पे ही पड़ा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम इंटू जीरो का स्क्वायर, क्योंकि आर का मतलब होता है कि आपका मास एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है। अब इस मास की बात करते हैं, ये एक्सिस से कितना दूर है आर, तो एम इंटू आर का स्क्वायर प्लस, अब इस मास की बात करते हैं ये कितना दूर है आर, तो इसका भी क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो आंसर कितना आया, टू एम आर स्क्वायर, है
है ना। तो चाहे आपका मास इधर पड़ा हो या पीछे पड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? मास इनटू एक्सिस से कितनी दूर पे पड़ा है उसका स्क्वायर, और जितने मास है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और सबको ऐड कर दो। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो और लिख लो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में। कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछ लो, और कोई डाउट नहीं है तो अब सब इस क्वेश्चन को करना, अगले क्वेश्चन को सब ध्यान से करना। सपोज करो कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। और आपका एक मास एम तो यहां पड़ा हुआ है, आपका एक मास एम यहां पड़ा हुआ है, आपका एक मास एम यहां पड़ा हुआ है। ये डिस्टेंस भी आर है और ये डिस्टेंस भी आर है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप लोग मुझे बताओ कि आई एक्स क्या होगा, आई वाई क्या होगा। लगाओ सो दिमाग लगाओ, क्या आएगा इसका आंसर? ट्राई करो क्या आएगा, आई एक्स क्या आएगा और आई वाई क्या आएगा, सोचो। देखो आई एक्स अपन निकाले मतलब इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो आप खुद देखो ये मास भी एक्सिस पे पड़ा है, ये मास भी एक्सिस पे पड़ा है, ये मास भी एक्सिस पे पड़ा है, तो आई एक्स तो क्या आ जाएगा, जीरो। और अगर तुम आई वाई निकालो तो मतलब वाई एक्सिस कौन सी है, आपकी वाई एक्सिस कौन सी है, ये वाली। तो तुम ध्यान से देखो ये मास तो वाई एक्सिस पे ही पड़ा है, पर ये थोड़ी पड़ा है, इसका कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर, इसका भी कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 2 m r² ठीक है। तो हाँ पूछो। ये वाई वाला वापस समझाना एक बार। हाँ एक सेकंड देख रानू, मैंने पूछा कि वाई एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ये तेरी वाई एक्सिस है, एक मास तो तेरा यहां पड़ा हुआ है, एक यहां पड़ा हुआ है, एक यहां पड़ा हुआ है, ठीक। ये तो एक्सिस पे ही पड़ा है, इसका तो जीरो। और ये वाला मास एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा है, आर। पीछे वाला मास भी कितनी दूरी पे पड़ा है, आर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एम आर स्क्वायर, इसका कितना होगा एम आर स्क्वायर, और इसका तो कितना हो जाएगा जीरो, तो इन तीनों को ऐड कर दे। क्लियर ठीक है। हुआ? ओके, अब तुम सब ध्यान से सुनो, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नहीं रिशिता मैटर करता ही नहीं है, रिशिता मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। अपने को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि अपना मास एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा है, चाहे पीछे पड़ा है चाहे आगे पड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि अपना मास एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा है, बस अपने को किससे मतलब है, एक तो मास से और वो कितनी दूरी पे पड़ा है, ठीक है। तो अब तुम सब लोग दिमाग लगाना, अगर मैं तुम्हें पूछूं सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन है ये कि सपोज करो कि ये तुम्हारी वाई एक्सिस है और यहां पे एक मास पड़ा है एम, मतलब यहां पे एक रोड पड़ी है, इस रोड का मास है एम और लेंथ है एल, और ये डिस्टेंस आपको एक्स दे रखी है। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ वाई एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। प्योर कंसेप्ट का क्वेश्चन है, तुम्हें खाली इस क्वेश्चन में क्या लगाना है, कंसेप्ट लगाना है कि आपके पास एक रोड है जिस रोड का मास है एम, जिस रोड की लेंथ है एल, और ये रोड एक्सिस से कितनी दूरी पर पड़ी है एक्स। तो आपको बताना है कि वाई एक्सिस के हिसाब से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सोचो क्या आएगा इसका आंसर।
देखो तुम दिमाग लगाओ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब होता है? सोचो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है कि मास इनटू वो एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर। अब खुद देखो, मास तो यहां पे कितना आ जाएगा, एम, और आप खुद मुझे बताओ कि ये पूरी की पूरी रोड एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ी है, एक्स, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, एम एक्स स्क्वायर। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लॉजिक समझना। लॉजिक क्या है कि कितना मास है इनटू वो एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर। तो कितना मास है वो तो आ गया एम, और आपकी ये पूरी की पूरी रोड एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ी है, एक्स, क्योंकि चाहे तुम कहीं पे भी रोड ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, आपके सब पॉइंट एक्सिस से कितना दूर है एक्स, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, एम एक्स स्क्वायर। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है अब तक तो पूछो। कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, पढ़ा लिख लो एक बार इसको अपनी कॉपी में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? तो इनर्शिया फॉर रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और किसी भी मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? मास इनटू वो एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर। तो मास कितना है एम, और एक्सिस से कितना दूर पड़ा है एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, एम एक्स स्क्वायर। तो मास तो एम, ये डिस्टेंस क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर। इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन, एक डेरिवेशन लिखो अपनी कॉपी में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोड अबाउट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। लिखो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और खासकर इसका फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। सपोज करो कि मेरे पास ये एक रोड है, इस रोड का मास दे रखा है एम, लेंथ दे रखी है एल, और मान लो कि ये एक एक्सिस है जो इधर से पास कर रही है। आपको इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, अब तुम सब लोग मेरे साथ ध्यान से चलना, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। क्योंकि यहां पे अगर तुम यहां पे छोटा सा मास लोगे तो वो तो एक्सिस के पास पड़ा है, यहां पे अगर तुम कोई मास लोगे तो वो एक्सिस से दूर पड़ा है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। एक तो आप मुझे बताओ कि एल लेंथ का मास कितना है एम, ये पूरी रोड जो है इसकी लेंथ क्या है एल, इसका मास कितना है एम, तो एक का कितना होगा एम बाय एल। 5 लोगों के पास 10 रुपए, तो एक के पास कितने, 10 बाय 5। तो अगर मान लो कि मैं एक्सिस से एक्स दूरी पे एक छोटी सी डिस्टेंस लेता हूं डीएक्स, तो आप मुझे बताओ कि डीएक्स का मास कितना होगा। तो एल लेंथ का मास है एम, तो एक का कितना है एम बाय एल, तो इस डीएक्स का मास कितना होगा एम अपॉन एल डीएक्स। तो इस छोटी सी लेंथ का मास कितना है, इस छोटी सी लेंथ डीएक्स का मास कितना है डीएम, और वो कितना आया एम बाय एल डीएक्स। अब तुम सब ध्यान से समझना, तो ये जो छोटा सा मास है इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास, मास कितना है डीएम, और वो एक्सिस से कितना दूर पड़ा है एक्स, तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो यहां पे तुम डीएम की वैल्यू पुट करो, एम बाय एल डीएक्स एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो 0 से लेके L तक, क्योंकि पूरी रोड का निकालना है। M अपॉन L तो कांस्टेंट है, और अगर तुम्हें याद हो तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है, x रेस्ट टू पावर n का क्या होता है, x रेस्ट टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा L क्यूब बाय 3, क्योंकि मैं x की जगह L पुट करूंगा तो एक L से एक L कट जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा एम एल स्क्वायर बाय 3। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर आपके पास कोई रोड है और उस रोड के साइड से कोई एक्सिस पास करती है इस तरीके से साइड से, तो इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम एल स्क्वायर बाय 3, मतलब मास कितना है इनटू रोड की लेंथ कितनी है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया कैसे, सब वापस ध्यान से समझना। तो हम लोगों ने एक एक्सिस ली, एक्सिस से एक्स दूरी पे एक छोटा सा लेंथ लिया डीएक्स, और मैंने इसका मास निकाला। कैसे निकाला, एल लेंथ का मास तो एम है, तो एक का कितना हो जाएगा एम बाय एल,
तो dx का कितना हो जाएगा, m बाय एल डीएक्स। तो ये तो आ गया छोटा सा मास, और ये छोटा सा मास एक्सिस से कितना दूर पड़ा हुआ है, ये छोटा सा मास एक्सिस से कितना दूर पड़ा हुआ है, एक्स। तो इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। तो डीएम की जगह पुट करो एम बाय एल डीएक्स, और यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट एल। तो एम बाय एल तो अलग हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय थ्री, तो एल क्यूब बाय थ्री, एक एल से एक एल गया, तो ये कितना आया एम एल स्क्वायर बाय थ्री। किसी को इस क्वेश्चन में आपको डाउट है डेरिवेशन में तो पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। तो अगर किसी एक एंड से आपकी एक्सिस पास कर रही है तो एम ओ आई कैसे निकालते हैं। कोई डाउट है? रानू तुम्हें क्लियर हुआ? हिमांग तुम्हें क्लियर हुआ? मानत, वंश, मानत तुमने तो अभी ज्वाइन किया है, वंश तुम्हें क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछो। सर जहाँ लेंथ चेंज हो रही है तभी ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, हाँ मतलब मतलब जहाँ इंटीग्रेशन का लेंथ हर सहारा अपन तब लेते रहो जब अपना है ना कोई चीज कांस्टेंट नहीं हो। जैसे जब अपन ने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, तो उसमें तो तेरी पूरी की पूरी रोड एक ही लेंथ पे पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इन क्वेश्चन में अपने को छोटा सा मास लेके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ओके सर। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से देखना, सब ध्यान से समझना इस चीज को। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं, एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ये कोई एक्सिस है, ठीक है, और यहां पे तीन रोड पड़ी हुई है, कितनी रोड, तीन रोड। तो एक रोड तो अपनी पड़ी हुई है ये वाली, मान लो इसका मास है एम, लेंथ है एल। यहां पे एक रोड ऐसे पड़ी हुई है, इसका भी मास है एम, लेंथ है एल, और नीचे भी एक रोड ऐसे पड़ी हुई है, इसका मास है एम, लेंथ है एल, और एक रोड यहां पड़ी हुई है, इसका भी मास है एम, लेंथ है एल, और मान लो ये वाई एक्सिस है। तो बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा। तो देखो ध्यान से सुनो, यहां पे चार रोड है, चारों का अपन अलग अलग निकालते हैं। देखो जैसे अपन सबसे पहले इस रोड की बात करें, तो यार ये तो पूरी की पूरी रोड कहाँ पड़ी हुई है, एक्सिस पे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर। तो यार ये तो पूरी की पूरी रोड एक्सिस पे ही पड़ी है, इसका तो गया। और ध्यान से देखो कि ये वाली जो रोड है ना, ये एक्सिस इसके एक एंड से पास कर रही है, तो इसका कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय थ्री। जो नीचे वाली रोड है ना, वो भी इसके एक एंड से पास कर रही है, इसका भी कितना आ जाएगा एम स्क्वायर बाय थ्री। और तुम ध्यान से देखो ये वाली जो रोड है ना, ये वाली, ये पूरी की पूरी रोड कितनी दूरी पे पड़ी हुई है, ध्यान से देखो एल दूरी पे, तो इसका कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर। तो आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, ये आ गया। इस तरीके से निकालते हैं। कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, मास इंटू कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे एक रोड तो एक्सिस पे पड़ी है, इसका तो जीरो हो गया, इस वाली रोड का और नीचे वाली रोड का एम एल स्क्वायर बाय थ्री, एम एल स्क्वायर बाय थ्री, और इस रोड का कितना आ गया एम एल स्क्वायर। इन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब ये भी लिख लो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। मान लो कि कोई एक्सिस है, वो सेंटर से पास कर रही है। सपोज करो कि ये हमारी कोई रोड है, इसका मास है एम, लेंथ है एल, और कोई एक्सिस सेंटर से पास कर रही है। तो याद है साइड से अगर पास करती है तो इस केस में कितना आता है एम एल स्क्वायर बाय थ्री। याद रखना अगर सेंटर से पास करती है तो आता है एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व। लिख लो इस फॉर्मूले को, लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड ऑफ एन एक्सिस, अगर आपका एक्सिस साइड से पास कर रहा है तो एम एल स्क्वायर बाय थ्री, अगर सेंटर से पास कर रहा है तो एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व। लिख लो इसको अपनी कॉपी में।
और ये आया कैसे, ये कैसे आया, अब तुम वो यहां पे साइड में लिख लो, तो कैसे आया ध्यान से देखना। सेम हम क्या करेंगे, एक्सिस से एक्स दूरी पे एक छोटी सी डिस्टेंस लेंगे डीएक्स। एल लेंथ का मास कितना है एम, तो एक का कितना होगा एम बाय एल, तो डीएक्स का कितना होगा एम बाय एल डीएक्स। तो ये जो छोटा सा डीएक्स है इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मास कितना है डीएम, और ये एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है एक्स का स्क्वायर। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, यहाँ पे मास की वैल्यू पुट करो, अब तक सब कुछ सेम है, एम बाय एल डी एक्स, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन अब अलग होगा। क्यों, क्योंकि अब अपन इंटीग्रेशन जीरो से एल नहीं करेंगे। देखो आपकी रोड कहाँ पे चालू हो रही है, यहाँ पे, मतलब माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू, क्योंकि ये आपका जीरो है तो आधी रोड पीछे की तरफ है, आधी रोड आगे की तरफ है, तो यहाँ पे लिमिट्स क्या आएगी, माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू। और इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा एम एल स्क्वायर बाय 12। तुम एक बार लिमिट्स पुट करना, तुम्हें यही आंसर मिलेगा। तो याद रखने वाली चीज क्या है, अगर तुम्हारे एक्सिस साइड से पास कर रही है तो एम एल स्क्वायर बाय 3, अगर सेंटर से पास कर रही है तो एम एल स्क्वायर बाय 12। पूरा डेरिवेशन एग्जैक्ट सेम है, बस लिमिट में यहाँ पे लोअर लिमिट माइनस एल बाय टू, अपर लिमिट क्या आ जाएगी प्लस एल बाय टू, क्योंकि हम सेंटर से निकाल रहे हैं, सेंटर से निकाल रहे हैं तो आधी रोड तो पीछे है, आधी रोड का है आगे, तो लिमिट्स कैसे पुट करनी है, माइनस एल बाय टू से लेके प्लस एल बाय टू। यहाँ पे ये याद रखना कि यहाँ पे इनर्शिया नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स का स्क्वायर है, तो अगर तुम नेगेटिव भी पुट करोगे तो वो स्क्वायर होकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो याद रखने वाली बात क्या है कि किसी भी रोड के साइड से अगर निकाले हो तो एम एल स्क्वायर बाय 3, सेंटर से निकालो तो एम एल स्क्वायर बाय 12, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। अब तक कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। तो बस तुम ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि ये डेरिवेशन तो वैसे ही तुम्हें देखो याद करनी पड़ेगी, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, अब सब ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है, अब सब ध्यान से समझना। क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ये कोई एक्सिस है, ठीक है, और मान लो कि यहां पे मैंने तुम्हें दे रखा है कि एक रोड तो मेरे पास पड़ी है ऐसे, ठीक है, और एक रोड मेरे पास पड़ी है ऐसे, और एक रोड यहां पे पड़ी है ऐसे, ठीक है। इस ऊपर वाली रोड की मास है एम, लेंथ है एल, इसका भी मास है एम, लेंथ है एल, इसका भी मास है एम, लेंथ है एल, और मान लो ये है वाई एक्सिस। तो आप लोगों को मुझे बताना है कि वाई एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सब ट्राई करो, दिमाग लगाओ, याद रखना अगर साइड से पास करती है तो एम एल स्क्वायर बाय 3, सेंटर से पास करती है तो एम एल स्क्वायर बाय 12, और अगर मान लो आपकी रोड इस तरीके से पड़ी हुई है, मान लो एक्सिस से एक्स दूरी पे, तो इस केस में क्या आता है एम एक्स स्क्वायर। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। क्या आएगा इसका आंसर, सोचो, लगाओ दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर। आसान क्वेश्चन है, देखो ये ऊपर वाली रोड है, इसके सेंटर से पास कर रहा है, तो इसका तो कितना आ जाएगा, ठीक है, और ये जो रोड है ना, ध्यान से देखो ये पूरी की पूरी रोड कितनी दूरी पे पड़ी है, एल बाय टू, तो इसका कितना आ जाएगा एम इंटू एल बाय टू का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। तो अगर आपकी पूरी की पूरी रोड एक्सिस से एक्स दूरी पे पड़ी है तो एम एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये रोड एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ी है, एल बाय टू, तो ये आ गया, और ये वाली रोड भी एक्सिस से कितनी दूरी पे, देखो ये टोटल लेंथ कितनी थी, ये टोटल लेंथ थी एल, तो इधर एल बाय टू होगा, इधर भी एल बाय टू होगा, तो ये आ जाएगा एम इंटू एल बाय टू का स्क्वायर। आप इन तीनों को ऐड कर देना, आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि मैंने एम ओ आई कैसे निकाला।
कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ लो। ओके कोई डाउट है किसी को तो क्लियर कर लो। ओके डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से देखो। सपोज करो कि ये कोई एक्सेस है और आपके पास कोई रोड ऐसे है और मान लो आपको ये एंगल थीटा दे रखा है। इस रोड का मास है m, लेंथ है l और ये इसके साइड से पास कर रही है लेकिन आपकी रोड ऐसे पड़ी है। तो याद रखना इस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एन स्क्वायर बाय 3 sin² θ। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, इस डायग्राम को बनाओ और मान लो ये वाई एक्सिस है तो आई वाई कितना होगा एम एल स्क्वायर बाय 3 sin² θ। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, है ना। तो आपका अगर जैसे देखो अपन ने 3 लोग पढ़ ली, 3 चीजें पढ़ ली, अगर रोड ऐसे हो तो भी हमें आता है, बीच से पास करे तो भी हमें आता है, एंगल पे है तो भी हमें आता है, एक्सिस पे पड़ी है तो भी हमें पता है, और ऐसे पड़ी है तो भी हमें पता है। तो अब तुम्हें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट कुछ चीजें हैं, देखो वो डेरिवेशन तुम छोड़ो, तुम उसको यूज करना सीखो क्योंकि डेरिवेशन अपने इतना काम नहीं आएगा जितना उनके फॉर्मूले काम आएंगे। तो तुम सब ध्यान से मुझे बताना। सपोज करो कि ये कोई रिंग है, इस रिंग का मास है m, रेडियस है r और ये इस रिंग का सेंटर है और मान लो कि कोई एक्सिस इस तरीके से पास कर रही है, ठीक है। मान लो ये y एक्सिस है तो आपको मुझे बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस क्या होगा। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे आसान है ध्यान से देखना। ये आपके पास एक रिंग है जिसका मास है m, रेडियस है r और ये आपकी y एक्सिस है। अगर ये तो साइड व्यू है, अगर तुम टॉप व्यू देखोगे ना तो ये रिंग है और यहां पे आपकी एक्सिस है। तो तुम ध्यान से देखो, आप रिंग पे कोई भी मास ले लो तो वो एक्सिस से कितना दूर होगा, r ही होगा। जैसे अगर तुम यहां पे कोई मास लो तो एक्सिस से कितना दूर है, r। तुम यहां कोई मास लो तो भी एक्सिस से कितना दूर है, r। तुम यहां कोई मास लो तो भी एक्सिस से कितना दूर है, आर, है ना। तो याद रखना इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मास इनटू आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सारा का सारा मास एक्सिस से कितना दूर पड़ा हुआ है, आर। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। लिख लो। तो टॉपिक क्या लिखना अपनी कॉपी में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और अब तक कोई डाउट है तो पूछो। देखो तुम्हें डाउट तुम नहीं पूछोगे तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी भी तुम्हें साफ बोल रहा हूँ। तुम पूछो, तुम्हें अगर समझ में आ गया तो तुम बता दो सर हो गया, नहीं समझ में आया तो बोल दो कि सर नहीं समझ में आया। ठीक है, आई होप सो कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से देखो, अगला तुम लिख लो अपनी कॉपी में सब। सपोज करो कि ये कोई रिंग है और मान लो कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और अभी अपन ने जेड के हिसाब से तो निकाल लिया था, याद है, जेड एक्सिस जो मतलब परपेंडिकुलर है, मास है m, रेडियस है r। तो आई जेड कितना अभी अभी अपन ने निकाला है, एम आर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में, आई एक्स इक्वल टू आई वाई, ये कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो। फिर मैं उसकी तुम्हें थियोरम भी बताऊंगा, एक बार लिख लो इसको। तो अगर कोई रिंग है उसके सेंटर से मान लो परपेंडिकुलर कोई एक्सिस पास कर रही है तो एम आर स्क्वायर, लेकिन जैसे मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इन दोनों के हिसाब से सेम होगा, कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे और फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, नेक्स्ट क्लास भी अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क पे, है ना। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर सपोज करो कि कोई रिंग है
और कोई एक्सिस तुम्हारी इस तरीके से पास कर रही है, तो इसके हिसाब से तो कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर। और मान लो कि ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और सपोज करो कि ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, तो आई एक्स और आई वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, एम आर स्क्वायर बाय टू। ठीक है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो अब तुम सब ध्यान से सुनो, मान लो कि ये कोई रिंग है, इस रिंग का मास है एम और इस रिंग का रेडियस है एल, और यहां पे एक रोड है और यहां पे भी एक रोड है, इसका मास भी एम, इसकी लेंथ टू एल होगी। क्यों? क्योंकि अगर इस रिंग का रेडियस एल है तो इसका डायमीटर कितना होगा, टू एल, और इसका मास भी एम, लेंथ टू एल। आपको बताना है कि इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो तुम ध्यान से देखो, यहां पे तीन मास है तो यहां पे तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि तीन मास है, एक तो रिंग है और दो आपकी रोड है, तो यहां पे कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे, तीन। तो तुम ध्यान से देखना, ये तो आपकी रिंग है और मैंने क्या बोला, अब ये परपेंडिकुलर तो है नहीं, ये तो आपकी एक्स और वाई एक्सिस है, तो रिंग का तो कितना आ जाएगा मास, रेडियस कितना है एल का स्क्वायर अपॉन टू, याद है एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस। और ध्यान से देखो तो ये आपकी रोड एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ी है, रेडियस कितना है एल, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर, और पीछे वाली रोड भी एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ी हुई है एल, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर। बस इन सबको ऐड कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो अब तुम्हारा काम क्या है, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक शीट भेजूंगा, उसमें एमओआई के बेसिक क्वेश्चन है, वो तुम्हें सॉल्व करके मुझे भेजना है, और कोई भी डाउट है तो तुम व्हाट्सएप कर देना, और कोई डाउट है तो पूछो। हाँ दक्ष, मैं भेज दूंगा, और कोई डाउट है तो पूछो, इसका इसमें हमें रिकॉर्डिंग मैं रिंग कर में भी लूंगी। तो, हाँ पूछो। हाँ इसमें रिंग में भी तो एम एल स्क्वायर ही आना चाहिए था। नहीं देख, अगर रिंग है जिसे मान ले कि कोई एक्सिस तेरी इसे परपेंडिकुलर पास कर रही है, तो इसके हिसाब से होता है एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर मान ले ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई के हिसाब से क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय टू। तो यहाँ पे ये जो एक्सिस है ना, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये देख ये तेरी कौन सी एक्सिस है, वाई वाली, तो इसके लिए मैंने क्या लिया, एम आर स्क्वायर बाय टू। जैसे ये अपनी एक्स एक्सिस होती है, ये अपनी वाई होती है, ये अपनी जेड होती है, मान ले कि ये रिंग है, तो जेड के हिसाब से एम आर स्क्वायर है, एक्स और वाई के हिसाब से तेरा एम आर स्क्वायर बाय टू है। तो यहाँ पे ये जो रिंग है ना, ये जो एक्सिस है, ये रिंग के परपेंडिकुलर नहीं है, ये एक्सिस रिंग के प्लेन में ही है, तो इसके लिए क्या आया, एम आर स्क्वायर बाय टू। ठीक है, अच्छा एक चीज है, ठीक है मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ सबको, सबको असाइनमेंट, ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि दो तीन लोग आज नहीं है तो उनके लिए रिकॉर्ड कर लिया है, तो मैं वैसे भी इसकी रिकॉर्डिंग भेज ही दूंगा, है ना। ओके यार, चलो ठीक है।